नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल नई उम्मीद और मैं हूं निर्भय कर्ण। गर्मी की अकुलाहट से परेशान शरीर जब सर्दी की हल्की छुअन को महसूस करने लगे तो समझ जाइए कि कृष्ण की मुस्कुराहट बढ़ गई है। मुस्कुराएं भी कैसे ना, इस छुअन के साथ ही उन्हें आभास हो जाता है अपने सबसे प्रिय मास कार्तिक के आगमन का। जब यह महीना विष्णु जी को अत्यंत प्रिय है तो भला उनके अवतार को कैसे न प्रिय होगा। विष्णु जी को कार्तिक मास इसलिए भी प्रिय है क्योंकि इसी महीने की शरद पूर्णिमा को उनकी अर्धांगनी देवी लक्ष्मी समुद्र मंथन द्वारा प्रकट हुई थी। वैसे भी कार्तिक माह पूरे वर्ष का श्रृंगार है। शरद पूर्णिमा यानी मिथिला में कोजगरा, जो मिथिला में काफी प्रसिद्ध है, करवा चौथ, दीपावली, धनतेरस, छठ, ये सब तो कार्तिक महीने में ही आते हैं, तो भला कैसे न इस महीने को पूरे वर्ष का श्रृंगार कहा जाए। शादी के पहले साल इस तिथि का लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं। नव विवाहितों के घर पहली बार यह पूजा विशेष धूमधाम से मनाई जाती है। नव विवाहितों का जीवन सुखमय हो, मां लक्ष्मी जी की कृपा उन पर बनी रहे, उनका घर धन धान एवं सुख समृद्धि से परिपूर्ण रहे, इसी कामना के साथ कोजगरा का त्योहार मनाया जाता रहा है। कई जगहों पर सुख समृद्धि की देवी लक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना की जाती है। शरद पूर्णिमा को मिथिला में कोजगरा के रूप में मनाया जाता है। कोजगरा दशहरा यानी विजयादशमी के पांचवे दिन मनाया जाता रहा है। कोजगरा का अर्थ है को जागृति यानी सारी रात जागने का पर्व। माना जाता है कि शरद पूर्णिमा साल भर का एकमात्र ऐसा दिन है जिस दिन चंद्रमा अपनी षोडश यानी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और आज अपनी किरणों द्वारा धरती पर अमृत वर्षा करता है। इसी वजह से आज लोग कई जगहों पर खीर बनाकर उसे रात भर चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं अथवा स्व प्रसाद के रूप में इसे ग्रहण करते हैं। यह दिन मिथिलांचल में बहुत ही महत्व रखता है। यही वह दिन है जब नवविवाहित युवक के लिए उसके ससुराल से कोजगरा का भार आता है और एक बार फिर लड़के को दूल्हे की तरह सजाया जाता है। कोजगरा पूर्णिमा की रात की बड़ी मान्यता है। कहा गया है कि इस रात दुधिया प्रकाश में दमकते चांद से धरती पर जो रोशनी पड़ती है उससे धरती का सौंदर्य निखरता जाता है। नवविवाहित युवक की शादी के बाद का पहला कोजगरा काफी उल्लास पूर्वक होता है। इस दिन दूल्हे सहित पूरे परिवार के लिए उपहार आता है। कहा जाता है कि लड़के के कोजगरा में उसे जूता से छत्ता तक ससुराल से मिलता है। आप बस यह समझ ले कि शगुन के तौर पर जो कुछ सामान भेजा जाता है उसे ही हम डाला, पेटारी या भार के नाम से जानते हैं। वर के लिए जनेऊ एवं अन्य शुभ प्रतीक भेजे जाते हैं। संभव होता है तो कोई आभूषण वगैरह भी भेजते हैं। इसके अलावा पेटारी में मखान, मिठाई, फल, ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी रखे जाते हैं। वैसे भी कोजगरा मखान और मिठाई दो नामों से काफी प्रसिद्ध है। परंपरागत रूप से जजमानी व्यवस्था के तहत गांव के कहार से वर के गांव ले जाते हैं। वर का कोई साला यानी वधु का कोई भाई है तो वही सामान ले जाने की जिम्मेवारी को निभाता है। लड़का उसी तरह से शाम में तैयार होता है जैसे शादी की रात। माथे पर चंदन, आंख में काजल, सर पर पाग और ससुराल से आया कपड़ा पहनकर दूल्हा तैयार होता है। घर के आंगन में अष्टदल का अर्पण यानी अल्पना देकर उस पर सुसज्जित डाला जिसमें पान, मखान, नारियल, सुपारी, जनेऊ, कौड़ी और शतरंज होता है उसे रख दिया जाता है। डाला के सामने अहिवातक पातिल यानी मिट्टी का छोटा घड़ा रूपी बर्तन जिसमें चौमुख दीप प्रज्वलित किया जाता है। एक पिठार यानी पिसा हुआ चावल लगा कलश जिसमें जल, आम का पल्लव होता है उसे भी सामने रखा जाता है। फिर पीढ़ी पर पूर्व दिशा में मुख करके नवविवाहित वर को बैठाया जाता है। वर को दूब धान लेकर पांच बार कम से कम पांच सुहागिनों द्वारा चुमाउन किया जाता है जिसके बाद ब्राह्मणों द्वारा दुर्वाक्षत देने की परंपरा है।
मिथिलांचल में कोजागरा के अवसर पर महालक्ष्मी जी की प्रतिमा भी स्थापित की जाती है। रात में जागकर महालक्ष्मी जी की पूजा करने का विधान है। इस अवसर पर वर अपने साला के साथ चौपड़, कौड़ी या ताश खेलता है, यानी नव विवाहित वर का भार लेकर आने वाले अपने साला के साथ कौड़ी पच्चीसी खेलने की विधि भी पूरी करनी पड़ती है। कई बार इसे जुए का रूप भी दे दिया जाता है। इस मौके पर वर और वधु पक्ष के लोगों के बीच जमकर हंसी मजाक, हास परिहास का दौर चलता है, खूब ठहाके लगते हैं। इस अवसर पर होने वाले लोक गीतों से पूरा घर आंगन गूंज उठता है। मिथिला की सांस्कृतिक पहचान के रूप में गौ समाज के लोगों में पान मखान बांटा जाता है। मिथिला में सदियों से कोजगरा पूजन की परंपरा को लोग आज भी खूब उत्साह से मनाते हैं। तो यह एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर अपने विचार रखें। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस एपिसोड के लिए बस इतना ही। नमस्कार। प्रेस द बेल आइकन ऑन द यूट्यूब ऐप एंड नेवर मिस अनदर अपडेट। प्रेस द बेल आइकन ऑन द